पद्माकर जी की जो पांडुलिपि है कहाँ से मिली, कैसे आई? मेरे पूजनीय स्वर्गीय पिताजी श्री रामदास जी सरदार अखाड़े के खलीफा थे, उनको भी पहलवानी के साथ साथ पुरानी भजन पुरानी कथाएं जो हुआ करते थे दंगल उनका शौक था। तो उनके पिताजी को जब वो ब्रज क्षेत्र में मथुरा वृंदावन गए तो वहां से वह पांडुलिपि पुरानी रूप में, नहीं तो नहीं पुरानी रूप में, उन्हें कहीं पुस्तकालय में या कबाड़ खाने से कहीं भी नजर आई हो हमारे परदादा को, तो वो लाए तो वो पिताजी के संरक्षण में रही, पिताजी के खत्म होने के बाद मेरे पास आई। तो इस तरह से ये धरोहर के रूप में, चूंकि मेरा परिवार मेरी माताजी लोक संस्कृति की मर्मज्ञ थी तो ये धरोहर के रूप में मेरे पास थी। और मैं पुस्तकों का शौकीन रहा हूं क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे 1000 किताबों को पढ़ो तब एक लाइन लिखो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल एक लाइन पढ़ते हैं 1000 पुस्तकें छपाने का प्रयास करते हैं। तो गुरु तो पहले एक ही हुआ करता था, सिर्फ हजारों होते थे, लेकिन आजकल गुरु हजारों हैं और शिष्य गिने चुने हम जैसे शिष्य आज भी। तो इस तरह से ये पुस्तक हमारी विरासत में हमें मुझे मिली और इसको सहेज के रखा, मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद 1984 में राजकीय संग्रहालय में निदेशक जितेंद्र प्रसाद जी आए थे, वो समय इस पुस्तक को उन्होंने पढ़ी तो कहा कि संग्रहालय को आप दान कर दीजिए, हम इसका सरकारी तौर पे आप हम इसका चेक आपको देंगे। तो उस समय 7000 रुपये मूल्यांकन हुआ इस किताब का, वो दे रहे थे हमें, लेकिन हमने उसको बेचा नहीं और रखे रहे। रखने के साथ तमाम लोगों ने, मुकुंद मेहरोत्रा जैसे जो इतिहासविद हैं उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा और मूर्धन्य साहित्यकारों ने पढ़ा। पढ़ने के बाद सबने ये इच्छा जताई कि हमें दो, लेकिन विश्वविद्यालय में कुलपति आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी जब आए यहाँ कुलपति, तो उनको जब दिखाया तो उन्होंने कहा अच्छा होगा कि आप विश्वविद्यालय को इसको दान कर दें जिससे आने वाली पीढ़ी इसको पढ़े देखे, पद्माकर जी की ये बहुत ही अमूल धरोहर है। तो इस नजरिए से हमने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को ये दान कर दी जिससे कि आने वाली पीढ़ी पद्माकर जी की राइटिंग भी देखे, उनके लिखे हुए महाकाव्य को भी देखे और पढ़े और इसको जाने और समझे।